लक्ष्मण बोले, हे लंकाधिपति राक्षस राज, मैं अवध का राजकुमार लक्ष्मण वंदन करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि आपका शिष्यत्व मुझे प्राप्त हो। रावण ने चरणों के पास दोनों हाथ जोड़े, नतमस्तक खड़े लक्ष्मण की ओर प्रसन्नता से देखा और हाथ में दर्भ की सिल्ली की ओर भी ध्यान दिया। रावण अपना दाहिना हाथ हल्के से उठाकर धीमे स्वर में बोला, कल्याणमस्तु वत्स। रावण बोला, हे वीर, तूने अब शिष्यत्व का अधिकार प्राप्त कर लिया है, बोल तेरी मनसा क्या है। लक्ष्मण बोले, मैं आपके पास ज्ञानोपार्जन हेतु आया हूँ, मुझे विद्या प्रदान कीजिए। रावण बोला, विद्या, विद्या और अविद्या इन दोनों प्रदेशों की ओर प्रस्थान एक समान अंधकार यात्रा है। ज्ञान तो एक सीढ़ी है लक्ष्मण, साध्य नहीं। हर सोपान अथवा हर सीढ़ी पर पांव रखकर आप आगे बढ़ते हैं, परंतु वही सोपान आगे बढ़ने के बाद अगले ही पल निरर्थक हो जाता है। और जब ज्ञान का पूर्ण साक्षात्कार होता है, तब जिस क्रम पर, जिस सोपान ने आपको इस बिंदु तक पहुंचाया है, वह क्रम और वह सोपान आपके लिए पूरी तरह हेतु विहीन हो जाता है। और ऐसी अवधारणा कर ले लक्ष्मण कि तूने विद्या की ऐसी किसी चोटी को प्राप्त कर लिया हो, तो उसी पल तुझे ऐसा महसूस होगा कि तू अन्य किसी अमाप चोटी की तलहटी के पास ही खड़ा है। लक्ष्मण ने अज्ञानता प्रकट करते हुए कहा, मैं समझ नहीं पाया, मैंने तो सुना है ज्ञान असीम है। रावण बोला, ज्ञान, ज्ञान नहीं अज्ञान असीम है लक्ष्मण, अज्ञान का कोई अंत नहीं है। परम ज्ञान की प्राप्ति के बाद भी मनुष्य को प्रतीत होता है कि अभी तो उसके सामने निस्सीम अज्ञान पड़ा है। हम जितना कुछ जानते हैं उसकी तुलना में जो नहीं जानते वो तो अपार है वत्स। लक्ष्मण बोले, महाराज दशावर, आप जो उचित समझें वैसा ज्ञान मुझे प्रदान करने की कृपा करें। राजनीति, अर्थनीति, धर्मनीति या और कुछ भी मनुष्य जाति के कल्याण हेतु आप जैसा उचित समझें आप उसका संदेश मुझे दीजिए। रावण बोला, तथात सुवत्स, ध्यान से सुनो। रावण ने जमीन पर पड़ा खड्ग अपने हाथ में लिया और कहा, लक्ष्मण, इस समय खड्ग मेरे हाथ में है और तुम निशस्त्र, तुम्हारे चारों तरफ मेरे सेनाध्यक्ष खड़े हैं। अगर इस खड्ग से मैं तुम पर प्रहार कर दूं तो? लक्ष्मण बोले, परंतु आप ऐसा नहीं करेंगे गुरुदेव, इस समय हम शत्रु नहीं हैं, आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य। रावण ने कहा, राजनीति का ये बुनियादी सिद्धांत मैं तुझे सिखाना चाहता हूँ वत्स। मेरी धड़कनें अभी चालू हैं, जब तक देह सजीव है तब तक शत्रुता का अंत आ गया ऐसा मानना बचपना है। राजनीति में ऐसा बचपना या मासूमियत नहीं चलती। राजनीति का पहला सबक यही है कि कभी किसी पर भरोसा मत करो। राजनीति में हित को छोड़कर और किसी बात पर लक्ष्य नहीं किया जाता, और हितों की रक्षा हेतु जो कुछ भी किया जाए उसे धर्म, न्याय और नीति से नवाजा जाता है। और अब अर्थनीति के मूलभूत सिद्धांत को आत्मसात कर ले लक्ष्मण। लंका दुर्ग के द्वार की तरफ एक बार पुनः ध्यान से देख, वे स्वर्ण के द्वार हैं। हनुमान ने पूरी लंका को देखा है, वह तुझे प्रतीति करवाएगा कि लंका नगरी ऐश्वर्य और समृद्धि से छलकती है। और सब लोग इस बात से भी परिचित हैं कि अवधपुरी के एक भी घर का एकाद खपरेल तक स्वर्ण मंडित नहीं है। लंका का राजा रावण तो राक्षस था, अन्याय, अनीति, अधर्म का अवतार था, जबकि उधर राम, दशरथ, वशिष्ठ, विश्वामित्र ये सभी अयोध्यावासी होते हुए अपनी नगरी को स्वर्ण की बात तो छोड़ो किसी मामूली धातु से भी मंडित नहीं कर पाए। क्या तू इसका उत्तर जानता है? रावण ने लक्ष्मण की ओर देखा और लक्ष्मण मौन रहे। रावण बोला, समृद्धि के लिए कोई कारण नहीं होता लक्ष्मण, लक्ष्मी अति चंचला है। इसके बारे में भविष्य कथन करना असंभव है कि वो कब कहाँ वास करेगी और फिर कब वहां से सरक जाएगी। लक्ष्मी का स्वामी कभी
कोई हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार कुबेर देवों की संपत्ति का संरक्षक है, कोषाध्यक्ष है, ठीक इसी तरह समाज में भी जो लोग जिस पल समृद्ध हुए हैं वे लोग केवल उस पल लक्ष्मी के संरक्षक हैं। जिस प्रकार कुबेर समृद्धि का स्वयं उपभोग ना कर उसका उपयोग देवलोक के कल्याण हेतु करता है, ठीक उसी तरह समाज के संरक्षकों को उसका विनियोग बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ही करना चाहिए। जो समाज जब तक यह सबक आत्मसात करता है वह समाज और वह स्थान स्वर्णमय बन जाता है लक्ष्मण। और अब धर्म नीति का एक सबक समझ ले लक्ष्मण। मेरे पास बहुत सीमित समय बचा है, वे समाप्त हो जाएं इससे पूर्व मेरी बात ध्यान से सुन। किसी को भी अभी तक विशुद्ध धर्म प्राप्त नहीं हुआ है लक्ष्मण। अपने प्रत्येक हेतु को न्याय संगत सिद्ध करने के लिए और व्यापक जन समर्थन प्राप्त करने के हेतु समर्थ व्यक्ति धर्म का सहारा लेता है। मैं परम सत्य बता रहा हूं लक्ष्मण। प्रत्येक समर्थ व्यक्ति अपने तत्कालीन हेतु को न्याय संगत सिद्ध करने के लिए वेद वेदांत समेत सभी शास्त्रों में से स्वयं को अनुकूल प्रतीत होते मंत्र का अर्थ खोज निकालते हैं। धर्मानुसरण का अर्थ केवल कर्मानुसरण ही होता है। हम सब उपलब्धि और निश्चित परिणामों को ध्यान में रखकर ही अपने कर्मों को निर्धारित करते हैं। कर्म और उपलब्धियों को एक दूसरे के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। मनुष्य को केवल एक ही धर्म का अनुसरण करना है। जिस समय जो धर्म उपलब्ध हुआ हो उस कर्म का पूरी निष्ठा के साथ अनुसरण करना, भले ही ऐसे अनुसरण के बाद विफलता ही क्यों न मिले। मनुष्य की सच्ची पहचान कभी नहीं हो सकती लक्ष्मण। विश्व के सभी सजीव प्राणियों के लिए अपने व्यवहार के अनुसार निश्चित प्राकृतिक नियम बने हुए होते हैं। केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके बर्ताव के लिए सुनिश्चित प्राकृतिक नियम नहीं बने हैं। किसी अमुक निश्चित परिस्थिति में लक्ष्मण अमुक तरीके से ही व्यवहार करेगा, परंतु उस उदाहरण के हिसाब से अगर कोई ऐसा मान ले कि ऐसे ही परिस्थिति में यही लक्ष्मण दोबारा भी वैसा बर्ताव करेगा तो वह भयानक भूल का शिकार हो जाएगा। एक ही व्यक्ति के साथ एक बार जैसा व्यवहार करता है वैसा ही व्यवहार करेगा, यह मान लेना निरीह मूर्खता है। यहाँ पर कोई किसी का स्वजन नहीं है। मनुष्य स्वयं खुद को ही भली भांति नहीं जानता तो कोई कैसे कहे कि वह सदैव सुनिश्चित रूप से ही बर्ताव करेगा। और हे लक्ष्मण, जिन्हें हम हमेशा अपने आत्मजन मानते रहे, वे हमारे अति संकटकालीन समय पर हमारी सहायता नहीं करते। केवल इतना ही नहीं, ऐसी स्थिति में हमें ऐसे लोग बचा लेते हैं जो उस समय से पूर्व हमें मिले भी नहीं होते और भविष्य में पुनः कभी उनके साथ मिलन की संभावना भी नहीं दिखाई देती हो। हम में से कोई भी इसका रहस्य नहीं जानता कि ऐसा क्यों होता है। इसका कोई सुनिश्चित गणित न तो हमारी समझ में आता है न कोई समझा पाता है। बस केवल इतनी ही जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक है कि ऐसा होता है। ऐसी सारी स्थितियों के बीच जो मनुष्य समझौते के साथ जीवन व्यतीत कर सकता है उसके लिए ऐसा कुछ होना या नहीं होना सब व्यर्थ है। अचानक रावण की देह को झटका लगा और उसके कंठ से पीड़ा की एक आह निकल आई। रावण के चेहरे पर चिर शांतिमय भाव फैल गया और मस्तक एक ओर लुढ़क गया। अब वहां कोई लंकाधिपति रावण नहीं बल्कि एक विशाल देह पड़ी हुई थी, बिल्कुल शांत, जिसे रावण से कोई सरोकार नहीं था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।